would say 90% who've not flown in planes, who've not been to an airport, have actually traveled in a plane. So you're talking about planes actions. They've not understood what is the exhilaration. उन्होंने जोश जोश में ये बोल दिया कि भाई फाइटर मूवी मेरी इसलिए नहीं चल रही है उस तरीके से क्योंकि 90% इंडियंस जो हैं वो एरोप्लेन में बैठे ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि एरोप्लेन क्या होता है। उन्होंने कि एयरफोर्स के एक ऑफिसर है, उन्होंने उनके ऊपर केस कर दिया, फाइटर मूवी के एक सीन के ऊपर केस कर दिया। आपने अगर पिक्चर देखी होगी तो लास्ट में जो है ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण को किस करते हैं यूनिफॉर्म में सारे आर्मी ऑफिसर के सामने। एक्शन मूवीज का मैंने आपको बोला था कि ओवरडोज हो जाएगा, जो धड़ाधड़ एक्शन मूवीज आ रही है इंडिया पाकिस्तान वॉर और एक्शन मूवीज आ रही है स्टोरी। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ नई वीडियो के साथ आपके पास। आज बात करेंगे फाइटर मूवी की। फाइटर मूवी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये फिल्म को जो है पब्लिक गिराने की कोशिश कर रही है। फिल्म बहुत बेहतरीन बनाई है और नया एरियल एक्शन दिखाया है और लोगों को ऐसा सिनेमा देखने की आदत पड़नी चाहिए। हिंदुस्तान जो है डेवलप हो रहा है, सिनेमा डेवलप हो रहा है, तो लोगों को ऐसी फिल्में देखनी चाहिए और लोगों को बहुत पसंद भी आई है और जो कलेक्शन है वो उस तरीके का नजर नहीं आ रहा था। बट मैंने आपको बोला था कि ये मैजिक हो सकता है कि वो फिल्म जंप कर जाए, मैजिक हो सकता है कि ये फिल्म अपना जो बजट है वो कवर कर जाए। और हाँ, वैसा ही होता दिख रहा है कि पब्लिक ने पॉजिटिव लिया है इन सब चीजों को, निगेटिविटी को साइड किया है। और सच में फ्राइडे का जो कलेक्शन आया 5-6 करोड़ गया, फिल्म का कलेक्शन जो है वीकडेज में नहीं गिरा। मंडे को अगर फिल्म का कलेक्शन 7 करोड़ आया था तो 7-6-5 तक गया और जो सैटरडे को जंप मारा बहुत बढ़िया जंप मारा भाई, 5 करोड़ से सीधा 11 करोड़। इतना अच्छा जंप मारा है बॉक्स ऑफिस में कि भाई फिल्म का कलेक्शन जो है वो बदल गया है। उसके बाद इसका फायदा नेक्स्ट डे संडे को भी देखने को मिला, जो कलेक्शन आया 12.5 करोड़। तो सीधा जो कलेक्शन है वो सीधा 180 करोड़ के पास पहुंच गया और फिल्म ने बहुत अच्छा टोटल कर लिया है। ये मैजिक ही है जो इस फिल्म के साथ हुआ है क्योंकि ऐसा फिल्मों के साथ नहीं होता। अगर फिल्म 5 करोड़ कमाती है मंडे को ट्यूसडे को तो फिल्म 3 करोड़ पे जाती है और ज्यादा से ज्यादा सैटरडे को 5-6 करोड़ वापस आती है। और इस फिल्म ने जो 3 गुना लगभग कमा लिया संडे को जाके, और मंडे को भी इसका कलेक्शन जो पूरी तरीके से नहीं गिरा, मंडे को भी इस फिल्म ने 4 करोड़ कमाया, ट्यूसडे को भी और वेडनेसडे को भी इतना ही कलेक्शन किया। तो बहुत अच्छा कलेक्शन किया, लगभग 190 करोड़ के पास ये फिल्म पहुंच गई जो कि बहुत अच्छा टोटल है। और फिल्म जो है अभी चलेगी हफ्ता भर और चलेगी और ये फिल्म मुझे लगता है 200 करोड़ आसानी से पार कर लेगी। बट 9 तारीख को फिल्म आ रही है शाहिद कपूर और कृति सेनन की तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, जिसका एडवांस भी अच्छा खासा हो रहा है तो उसकी भी ओपनिंग लग सकती है 10 करोड़ के आसपास। ये फिल्म जो है फाइटर को नुकसान पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी ये देखने वाली बात होगी, बट फाइटर मुझे लगता है कि 200 करोड़ तो क्रॉस कर लेगी और 210 करोड़ अगर ये करती है तो हिट हो जाएगी, क्लीन हिट हो जाएगी, अच्छी हिट हो जाएगी। और अगर ये फिल्म 200 करोड़ से नीचे रह जाती तो ये फ्लॉप हो जाएगी। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसका सैटरडे संडे गया है, 2 दिन के अंदर ही 20-25 करोड़ कमा लिए, उसने बहुत जंप दिया है फिल्म को, फिल्म बहुत अच्छा कलेक्शन कर गई। दूसरी तरफ जो इसके डायरेक्टर है फाइटर के सिद्धार्थ आनंद, इनका एक इंटरव्यू आया जो कि बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा ट्रोल भी हो रहे हैं इसके चक्कर में। उन्होंने जोश जोश में ये बोल दिया कि भाई फाइटर मूवी मेरी इसलिए नहीं चल रही है उस तरीके से क्योंकि 90% इंडियंस जो है वो एरोप्लेन में बैठे ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि एरोप्लेन क्या होता है, उन्होंने एरोप्लेन ही नहीं देखा है। तो 10% लोगों ने जिन्होंने एरोप्लेन देखा है उन लोगों ने मेरी पिक्चर देखी है और 90% लोग जो हैं वो उनकी पिक्चर नहीं देखने गए, उनको ये पिक्चर समझ में नहीं आई इसलिए वो पिक्चर देखने नहीं गए। मुझे थोड़ा सा इनवैलिड रीजन लगा कि भाई ये रीजन जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इंडिया में एवेंजर बहुत चली है, इंडिया में अवतार बहुत चली है भाई, इतनी ज्यादा चली है, हर कोई अलग प्लेनेट से नहीं है जो अवतार चला रहा है, हर कोई एवेंजर नहीं है जो एवेंजर को हिट करा रहा है। आपकी फिल्म अच्छी है मेरे हिसाब से अच्छी है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, हर किसी का जो है रिव्यू होता है, हर किसी की अपनी सोच होती है, वो फिल्म नहीं देखना चाहता है या फिल्म देखना चाहता है, अलग बात है। बट ये बोल देना कि 90% लोग इंडिया के जो है वो प्लेन में नहीं बैठे इसलिए आपकी पिक्चर नहीं चली, ये कोई वैलिड रीजन नहीं था। इसके साथ साथ ही एक और चीज जो है फाइटर के लिए खतरा बन गई है, कहानी यहां भी नहीं थमी, फाइटर मूवी के लिए एक और जो है अभी प्रॉब्लम बढ़ गई है कि एयरफोर्स के एक ऑफिसर है, उन्होंने उनके ऊपर केस कर दिया, फाइटर मूवी के एक सीन के ऊपर केस कर दिया। आपने अगर पिक्चर देखी होगी तो लास्ट में जो है ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण को किस करते हैं यूनिफॉर्म में सारे आर्मी ऑफिसर के सामने, उसको लेके उन्होंने दुख जताया है, उसके ऊपर वैलिड FIR दायर कर दी है कि भाई ये सीन नहीं दिखा सकते आप, किसिंग सीन जो है आर्मी की यूनिफॉर्म में आर्मी बेस पे नहीं दिखा सकते। अब भाई उनका क्या सोचना है वो अलग बात है, पर फिल्म के हिसाब से अगर ये दिखाया है वो उनकी सोच है। और हॉलीवुड में और बाहर कंट्रीज में ये सारी चीजें जो है चलती है कि यूनिफॉर्म में भी आप किस कर सकते हो या एयरबेस में भी आप जाके किस कर सकते हो, ये अलग बात है। बट उन्होंने इसके ऊपर जो है दुख जताया, उसके ऊपर वैलिड केस कर दिया है, क्योंकि इसकी सुनवाई जो है आगे होगी और इसका क्या रीजन देती है फाइटर की टीम वो देखने वाली बात होगी। मैं तो इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि ये सही था या गलत था, बट आपको क्या लगता है कि ये सही था या गलत था, जो सिद्धार्थ आनंद ने बोला वो सही था या गलत था, या एयरफोर्स ऑफिसर ने जो इनके ऊपर कंप्लेन करी है वो सही है या गलत है। और मैंने जो लोगों के कमेंट पढ़े, लोगों की बात सुनी जिनको फाइटर मूवी पसंद नहीं आई, मैंने उनका फीडबैक लिया तो उन्होंने ये बोला कि हमें फाइटर मूवी पसंद आई है बट उसमें जो ओवरडोज हो गया है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो युद्ध है बार बार ओवरडोज हो गया, जो धड़ाधड़ एक्शन मूवीज आ रही है इंडिया पाकिस्तान वॉर और एक्शन मूवीज आ रही है, स्टोरी है नहीं बट एक्शन मूवीज आ रही है,
ये जो रीजन है मुझे वैलिड लगा कि हाँ लोगों को इसलिए पसंद नहीं आ सकती कि भाई इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध है बार बार हर फिल्म में दिखाया जा रहा है, और एक्शन मूवीज का मैंने आपको बोला था कि ओवरडोज हो जाएगा, आप अगर लगातार एक्शन मूवीज ही लाते रहोगे और पब्लिक एक्शन मूवी देखती रहेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि किसी फिल्म को इसका जो भुगतान है वो झेलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। फाइटर मूवी को शायद ये जो भुगतान है थोड़ा बहुत झेलना पड़ा, क्योंकि फाइटर मूवी जैसी है 300, 400, 500 करोड़ डिजर्व करती थी, बट ये फिल्म 200 करोड़ के आसपास रुक जाएगी, और ऐसा भुगतान मुझे लगता है कि बड़े मियां छोटे मियां और सिंघम अगेन को भी ना करना पड़े। ये भी दो बड़ी फिल्में हैं जो कि एक्शन पे डिपेंड है, और एक्शन मूवीज का जो है ओवरडोज हो चुका है। अगर पब्लिक एकदम से इससे हटती है, जिस तरीके से फाइटर को उन्होंने रिजेक्ट किया उस तरीके से कलेक्शन जो है आधा हुआ है, लगभग फिल्म 400-500 डिजर्व करती थी, 200 करोड़ के आसपास फिल्म जो है रह जा रही है, तो कहीं बड़े मियां छोटे मियां के साथ भी ऐसा ना हो, और मैदान फिल्म जो है क्लास फिल्म है तो मैदान की तरफ पब्लिक अट्रैक्ट ना हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और जो सिंघम अगेन आ रही है, सिंघम अगेन भी जो है फुल ऑन एक्शन मूवी है और एक्शन पे ही डिपेंड है, रोहित शेट्टी की फिल्म में भाई कार उड़ना तो लाजमी है, तो भाई इनको ना जो है नुकसान झेलना पड़ जाए, जो क्लास मूवीज हैं वो इस साल खेल जाए, क्योंकि संदर्भ तेज हो रहा था वो मास मूवीज के लिए रहा था, एक्शन मूवीज बहुत ज्यादा चली, कोई भी क्लास मूवी नहीं चली, थोड़ी बहुत चली तो उतना कलेक्शन नहीं आया जैसा कि मास मूवीज का आया, बट संदर्भ 24 में मुझे ऐसा लगता है कि जो क्लास मूवीज हैं वो वर्क कर सकती हैं। जो लोग हैं परेशान हो गए एक्शन मूवीज से और ओवरडोज हो गया लोगों को, तो लोग अब जाके शांति से अच्छी कहानियां, अच्छी फिल्में, अच्छी सीख और अच्छी क्लास मूवीज देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि संदर्भ 24 जो है ये क्लास मूवीज का भी हो सकता है, जिसमें अजय देवगन जी की जो मूवीज आ रही हैं उसमें शैतान क्लास मूवी हो सकती है, मैदान क्लास मूवी हो सकती है, रेड 2 जो है क्लास मूवी हो सकती है, औरों में कहा दमता ये भी कोई अलग स्टोरी हो सकती है। तो जो सिंघम अगेन है वही उनकी एक्शन मूवी, बाकी मूवी जो लगता है मुझे क्लास मूवीज होंगी, और जिन एक्टर की इस साल क्लास मूवीज आ रही है उनके चलने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ओवरडोज हो चुका है एक्शन मूवीज का, मेरे से भी अब एक्शन मूवीज ज्यादा देखी नहीं जा रही है। अगर अलग तरीके की स्टोरी, एक नई कहानी आती है तो वो फिल्म बहुत ज्यादा चलेगी डेफिनेटली। अब देखते हैं 24 में ऐसी कौन सी फिल्म होती है जो कि क्लास मूवी के साथ 500 करोड़ करके जाएगी, क्योंकि अभी तक जो 500 करोड़ फिल्में गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन मूवीज हैं, कोई भी क्लास और अच्छी स्टोरी वाली मूवी बहुत ज्यादा कलेक्शन करके नहीं गई है, 500 करोड़ नहीं गई है। देखते हैं कि कौन सी फिल्म जो होगी तो 400-500 करोड़ का कलेक्शन करती है 24 में। और आपको फाइटर मूवी कैसी लगी और इसका जो कलेक्शन जंप हुआ है आपको खुशी हुई या नहीं हुई? मुझे तो बहुत खुशी हुई कि अच्छी फिल्मों को जो है आगे बढ़ाना चाहिए, और ऐसी पब्लिक अगर अच्छी फिल्मों को सपोर्ट करेगी तो हमारा इंडियन सिनेमा जो है आगे बढ़ता जाएगा। बाकी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए टाटा।